A biotic factor the moisture first the contents definition of moisture gain of water in animals loss of water in animals measures to reduce water loss and the water regulation in animals aquatic animals so first the moisture so moisture is actually the amount of diffused water that is present in air in the form of water vapors that may be present in soil जस्ट टू वाश दॉय डिफरेंट बॉडीज़ सो स्टूडेंट्स अगर हम मॉइस्चर की बात करें एक वन थिंग वाटर एक तो वाटर है एक्टिक लाइफ है टेरिस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो वाटर है वो आमतौर पर जो वो वाटर जो कि वेपर्स की फार्म में मौजूद है या फिर लेस डायल्यूटेड फार्मी डिफ्यूज फार्म में मौजूद होता है सॉइल के अंदर जिसकी वजह से सॉइल जो है मॉइस्चर फार्म है या थोड़ी सी वेट फार्म में हमें नज़र आती है मॉइस्चर फार्म फार्म सो तो मॉइस्चर टिपिकली जो है ये वाटर वेपर्स हैं जो कि एयर के अंदर मौजूद हैं या फिर वो वाटर किस एक बहुत लिमिटेड अमाउंट है जो सॉइल के साथ मिक्स मिक्सअप है और उसको थोड़ा सा उसने जो एक नमी या मॉइस्चर जो है प्रोवाइड की हुई है या फिर इट मे बी प्रेजेंट आर दी सर्फसेस डिफरेंट सर्फसिस जैसे प्लांट की लॉग्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं जो स्टोनस हैं रॉक्स हैं उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमें एक हल्की सी जो वाटर की लेयर्स जो होगी दैट विल बी कॉल्ड एज द मॉइस्चर सो

तो फिर एनिमल्स की बॉडी से जो वाटर लॉस है वो क्या होगा कम होगा सिमिलरली अगर इन्वायरमेंट के अंदर मॉइस्चर रिड्यूस्ड अमाउंट पर मौजूद है तो फिर इस केस में क्या होगा कि जो एनिमल्स की बॉडी से वाटर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा सो मोर मॉइस्चर इट मीन्स लेस वाटर लॉस फ्राम द एनिमल बॉडी एंड लेस मॉइस्चर मीन मोर वाटर लॉस फ्राम द बॉडीज ऑफ एनिमल्स तो इट मीन्स द मॉइस्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनिमल्स सो ए वी लुक वाट आर दिफरेंट मैथड्स बाई विच द एनिमल्स दे गेन दे आर वाटर फ्राम एनवायरमेंट अगर एनिमल्स के अंदर वाटर गेन की बात करें तो नॉर्मल द एनीमल्स दे गेन वाटर फ्राम द इन्वायरमेंट अलॉन्ग विद द फूड जो फूड हम लेते हैं मोस्टली बहुत सारे फूड कॉन्टेंट्स हैं जो विच आर इन रिच विद वाटर कुछ फूड कॉन्टेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें मोर देन नाइन्टी परसेंट जो है वो वाटर मौजूद है सो इस मीन्स वट वी इट इट आल्सो हैव द वाटर अलॉन्ग विद इट द सेकेंड थिंग इज द ड्रिंकिंग द सेकंड सोर्स फॉर वाटर इनटेक इज़ द ड्रिंकिंग कि जो हम ड्रिंकिंग करते हैं वो डायरेक्टली वाटर इनटेक है थर्ड सोर्स ऑफ वाटर इन एनिमल्स इज़ द मेटाबोलिक वाटर क्योंकि जब भी हमारे बॉडी के अंदर आर इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स हैं वैन दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटीरियल्स फूड मटीरियल जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज होता है तो वाटर एज बाई प्रोडक्ट जो है वो बनता है बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इस वाट बाई प्रोडक्ट के ऊपर या मेटाबोलिक वाटर के ऊपर थ्रू आउट लाइफ सर्वाइव करते हैं डेजर्ट एनिमल्स में इसमें इस बहुत सारे स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स हैं जो सर्वाइव करते हैं सो वाट द लॉस ऑफ वाटर फ्राम द एनिमल बॉडीज एनिमल की बॉडी से जो वाटर लॉस है उसमें जो है वो देर डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू जो है वाटर लॉस हो रहा है नंबर वन द यूरिनेशन नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से रिलीज कराने के लिए आमतौर पर जो यूरिन है इट कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर नॉर्मली फॉर वन ग्राम ऑफ यूरिया ये यूरिया हम बॉडी से रिलीज करते हैं इट रिक्वायर अबाउट फिफ्टी एम एल वाटर तो फिफ्टी एम एल वाटर जो साथ रिलीज़ होता है सेकेंड में द फीसिस जो हम डेफिकेशन है जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट है जो हम खाना खाते हैं जो अन फॉर्म में बॉडी से रिलीज होता है दैट आल्सो कैरीज सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर लांग विद इट तो ये सेकेंड लॉस है वाटर का द थर्ड वन इज़ द वाटर लॉस ड्यूरिंग द गैशियस एक्सचेंज नॉर्मल जब हम एक्जेल करते हैं तो एक्जेलिंग के दौरान जो एयर बाहर आ रही होती है जो हमारी सांस बाहर आ रही होती है उसमें वाटर कंटेंट जो मैक्सिमम होता है सैचुरेटेड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वाटर वेपर्स इसके साथ मौजूद होते हैं दिस आर मेजर एंड लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द एनिमल बॉडीज एंड द लास्ट वन इज द वेपोरेटिव कूलिंग कि जब प्रेस्पायरेशन होती है या स्किन से वह वाटर क्या करेगा वेपोरेट करेगा तो उसमें जो है वो वाटर लॉस होगा सो आर दी मेजर वाटर लॉस इन द एनिमल्स सो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वैन एनिमल्स आर लिविंग इन टेरिस्ट्रियल इन्वामेंट टेरिस्ट्रल इन्वायरमेंट के अंदर जब एनिमल्स रहते हैं दे हैव टू सेव देयर वाटर स्पेशली बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स हैं जिनको वाटर सप्लाई बहुत रिड्यूस्ड अमाउंट में अवेलेबल होती है डेजर्ट एनिमल्स हैं उनको वाटर सप्लाई बहुत रिड्यूस्ड जब अमाउंट में मौजूद है सो अगर उनके बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू सरवाइव इन सच केसेज द एनिमल्स है मयर्स एनिमल्स के अंदर डिफरेंट जो है वो नेचर ने कुछ अडेप्टशंस रखी हैं जिसके थ्रू दे कैन सेव देयर वाटर दे कैन कंजर्व देयर वाटर इन देयर बॉडी उसमें नंबर वन जो फीकल मटेरियल है आमतौर अगर रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई मौजूद है तो फिर क्या होगा कि दो फीकल मटेरियल विल बी ड्राई जो फीसेज के थ्रू जो वाटर लॉस है उसको क्या किया जाएगा रिड्यूस किया जाएगा द सेकेंड वन इज़ द कंसनट्रेट यूरिन कि जो यूरिन जो है उसको कंसनट्रेट कर दिया जाता है कि जैसे अगर हम नॉर्मल देखें कि ह्यूमन के अंदर अगर जो, जो है वो हमारी जो यूरिन है वो तकरीबन ऐट टाइम मोर कन्सनट्रेटेड है लेकिन बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो यूरिन है इट इज़ अप टू फोर्टी टाइम कन्सनट्रेटेड यानी उसके अंदर वाटर जो है बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करने की सलाहियत मौजूद होती है तो इससे तरह कंसनट्रेट यूरिन जब होगी तो उससे वाटर लॉस उसको जो कम किया जाएगा इसके जो वो है देन सम एनिमल्स दे आल्सो हैव अडेप्टशन कि वो नाइट्रोजन वेस्ट की नेचर चेंज कर सकते हैं जैसे अगर जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं उसमें जो रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई मौजूद है तो उनके अंदर यूरिया की जगह जो है वो यूरिक एसिड जो है एज एक्सक्र प्रोडक्ट मौजूद है क्योंकि यूरिक एसिड के लिए अमाउंट ऑफ वाटर जो है बहुत कम चाहिए फॉर देयर एक्सक्रीशन तो यूरिक एसिड की पेस्ट की शक्ल में जो ड्राई फार्म में जो वो रिलीज हो सकता है द अदर अडेप्टशन आर दी बिहेवियरल अडेप्टन एनिमल अपने वाटर बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करने के लिए दे, चेंज देयर बिहेवियर चेंज देयर बिहेवियर का मतलब यह है कि दे बिकम नॉक्टोर्नल कि एट द नाइट टाइम चूँकि थोड़ी सी जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है टेम्परेचर रिड्यूस होता है वाटर लॉस कम होता है तो अपना डाई से नॉक्टॉनल बिहेवियर पर शिफ्ट हो जाते हैं डाई कहते हैं जो दिन को टाइम निकलते हैं नॉकटोनल मीन विच आर एक्टिव एट द नाइट टाइम इस सम एनिमल्स दे हैव अबिली टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन दर बॉडी जैसे कैमल है इसके अबिलिटी है, है कि इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट्स बॉडी द वाटर रेगुलेशन इन एक्टिक एनिमल्स एक्टिक एनिमल्स में देखें दे आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिक एनिमल्स दे आर द फ्रेश वाटर एनिमल्स एंड द मैरीन एनिमल्स फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर तो वाटर लॉस इशू नहीं है बिकॉज फ्रेश वाटर में काफ़ी ज्यादा वो आलरेडी वाटर मौजूद है वहाँ साल्स को कंजर्व किया जाता है वाइल इनके साथ मैरीन एनिमल्स मेरीन एनिमल्स चूँकि एक हाइपरटोनिक इन्वामेंट में रहते हैं तो देव स्ट्रेटीज टू सेव देआर वाटर जैसे दे विल ड्रिंकल ऑफ वाटर लॉट ऑफ वाटर ज़्यादा वाटर ड्रिंक करेंगे एंड दे हैव एबिलिटी टू सक्रियट द साल्स तो बॉडी के अंदर से साल्स को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं सो दीज आर डिफरेंट मैथड्स बाई विच एनिमल्स दे हैव एबिलिटी टू मैंटेन द वाटर लेवल इन देयर बॉडी